दोस्तों, आज हम चटपटे आलू बना रहे हैं सॉस और चटनी के साथ खाने के लिए। ये नया आलू है, इस मौसम में आलू बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस आलू को मैंने धो लिया है, अब इसे उबलने रखते हैं कुकर में। इसमें पानी डाल के उबलने रखते हैं। आलू में पानी डाल दिया है, आलू को उबलने रखेंगे। हम दो सीटी लगाएंगे, एक स्लो गैस पे और एक तेज गैस पे। एक सीटी लग गई है, गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। एक सीटी लग गई है, गैस की फ्लेम स्लो कर, दो सीटी लग गई है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। कुकर को ठंड कर, ठंडा हो गया है ये देखिए। इसको खोल के देखेंगे, आलू को उठा के देखेंगे। ये देखिए, आलू गल गया है। ऐसे ही गलाना था हमें, ठंडा होने। आलू को छील लेंगे, आलू को ठंडा होने पे छील लिया है और इसे मैंने इतने बड़े टुकड़ों में काट लिया। आलू को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है। अब ऑयल या शुद्ध घी, जो भी आप डालना चाहे, देसी घी या ऑयल आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा ही ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम कोई मसाले यूज नहीं करेंगे, इसे चटपटा बना रहे हैं। जीरा डालेंगे दो चुटकी, मैंने दो हरी मिर्च ली है, दो हरी मिर्च ली है, ऑयल में ही नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार है। ऑयल में डालने से आलू के अंदर तक नमक चला जाएगा। अब इसे चला देंगे, आलू डालेंगे इसमें, आधा ही आलू डालो। अब इसे गैस स्लो कर देंगे, स्लो गैस पे इसे धीरे धीरे भुनने देंगे। अब इसे चलाएंगे नहीं, इसे जितना हम भूनेंगे उतना ही आलू का स्वाद अच्छा होगा खाने में। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे ऐसे चला लेंगे। दोस्तों, कभी कभी पोहा पराठा पूरी खा के ऊब जाते हैं, तो आप आलू को इस तरह कलर के, इस तरह फ्राई करके खाइए, बहुत टेस्टी लगता है हरी चटनी के साथ। शाम की चाय और आलू, मज़ा आ जाता है। आप भी खा के देखिए, खूब अच्छे से इसको सुनहरा सुनहरा भुन जाने दीजिए। सुनहरा सुनहरा हो जाएगा तब तक हम इसे भूनेंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब इसमें चाट मसाला डालेंगे। ये देखिए, आलू भुनने लगा है, कढ़ाई छोड़ रहा है, ये कढ़ाई में चिपकना बंद हो। ये देखिए, आलू को पकते हुए टाइम हो गया, आलू ने कढ़ाई छोड़ दी है। आलू भुनने की यही पहचान है कि कढ़ाई चिपकना बंद कर दे, कढ़ाई में आलू चिपकना बंद कर देगा। आलू भुनने की यही पहचान है कि आलू चिपकेगा नहीं। ये देखिए, इसे कम से कम मैंने 5 से 6 मिनट मीडियम स्लो गैस पे भुना है। देखिए, आलू को पकते हुए टाइम हो गया, आलू ने कढ़ाई छोड़ दी है।
आलू भुनने की यही पहचान है कि कढ़ाई चिपकना बंद कर दे, कढ़ाई में आलू चिपकना बंद कर देगा। आलू भुनने की यही पहचान है कि आलू चिपकेगा नहीं। ये देखिए, इसे कम से कम मैंने 5 से 6 मिनट मीडियम स्लो गैस पे भुना है। 5 से 6 मिनट हमें इसे भुनना है। इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। इसे कम से कम 10 मिनट मैंने पकाया है। आलू हमारा रेडी है। चलिए बंद गैस की फ्लेम बंद करते हैं, इसे सर्व करते हैं। चटपटे आलू रेडी है। ये देखिए, मैंने इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है। दोस्तों, इसे बच्चों के टिफ़िन में दीजिए बिना पराठे के, बच्चे शौक से खाएंगे। इसे सॉस, हरी चटनी किसी से भी खाइए। हरी चटनी धनिया लहसुन की बनाइए आप, बहुत टेस्टी लगता है। सुबह चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट में खाइए या शाम के चाय के साथ लीजिए, बनाइए। दोस्तों, बनाइए, खाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।